आप देख रहे हैं वीएम खबर फास्ट 7 चैनल, जहां सच सबसे पहले। मानवता मानव कल्याण संगठन रजिस्टर्ड भारत दी पंजाब इकाई वल्लों लुधियाना दे एक निजी होटल विच एक अहम मीटिंग कीती गई, जिस दी प्रधानगी मानवता संगठन दी पंजाब प्रधान श्रीमती स्वीटी बत्रा अते मानवता पब्लिक स्कूल दी प्रिंसिपल श्रीमती मंजू दीदी ने कीती। इस मौके ते राजा खान दे समाजिक कार्यां नूं देखदे होए उन्हां नूं मानवता भलाई संगठन दी पंजाब प्रधान स्वीटी बत्रा द्वारा लुधियाना दा जिला मुखी नियुक्त कीता गया। पत्रकारां नाल गल्लबात करदियां होया स्वीटी बत्रा ते मंजू दीदी ने दस्या कि आने वाले समय विच उन्हां दी संस्था वल्लों गरीब लोकां दी मुश्किलां नूं पहल दे आधार ते हल कीता जावेगा। मानवता मानव कल्याण संगठन दे उद्देश सिक्ख्या, बेरोजगारी अते सेहत नूं मुख रखदिया होया पंजाब दे वख-वख जिलियां विच मुहिम चलाई जाएगी। इस मौके ते मीटिंग विच शुभम शर्मा, संतोष राणी, विजय कुमार, नव्या वरदान तो इलावा अनेक कार्यकर्ता हाजिर सन। स्टेट प्रेसिडेंट और हमारा आज का एजेंडा यह है कि जो मानवता की संस्था है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर और भी जुड़ें, क्योंकि मानवता तो हम हर किसी के दिल में बसी हुई है। बस हमारी संस्था का ये मकसद है कि उस मानवता को बाहर निकाल कर हमारी संस्था के साथ जोड़ें। हमारी संस्था चाहती है कि गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और जो हमारे समाज में बेरोजगारी, दहेज प्रथा और निरक्षरता जैसी बुराइयाँ फैली हुई हैं उन्हें खत्म करने के लिए हमारी संस्था है जो लगातार काम कर रही है। तो मेरा नाम मंजू दीदी है। मानवता संगठन के अंडर जो मानवता पब्लिक स्कूल चल रहा है मैं उसकी प्रिंसिपल हूँ। और मानवता संगठन जो 2000 में बना था उसका उद्देश्य सबसे बड़ा उसका जो एजेंडा है एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पे वो काम कर रहा है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट की लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत है बेरोजगारी के हिसाब से, और शिक्षा की सबसे पहल है तो उसके लिए ही हमारा संगठन सबसे ज़्यादा काम करता है। इसके अंडर लुधियाना में प्लस दिल्ली में इसकी स्कूल की कई ब्रांचें भी चलती हैं। इसके साथ साथ हम एम्प्लॉयमेंट में लोगों को आजकल के जो नौजवान हैं उनको काम देने के साथ साथ उनको ट्रेनिंगें भी देते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कोई भी IAS एग्ज़ाम पास करना है तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, शॉर्ट हैंड वगैरह सिखाई जाती है इसमें, और प्लस उनके फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नौजवानों को जागरूकता ही नहीं होती है कि कौन सी नौकरियाँ निकली हुई हैं, तो हमारा संगठन ये कार्य करता है उनके साथ।